मारे हम कोई अपना नहीं गम के मारे हम आपके दर पे फरियाद लाए हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम से कहूं ऐ रब के कुंवर तुम जानत हो मन की पतियां दारे फुरकत तो आए उम्मीद कब काटे ना कटती अब रतियां तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी कब तक रहेगी ये बेखबरी कहे बिगहा दुस्ती दा नजर कभी सुन भी तो लो हमारी बतियां आपके दर से कोई न खाली गया दामन को भर के सवाली गया अपने दामन को भर के सवाली गया ओ हबीबे हजी ओ हबीबे हजी पर भी आका नजर मरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम मैं कशो आओ आओ मदीने चले कशो आओ आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले जब है फिजा मदीने में तजल्लियों की जब है फिजा मदीने में निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में गमे हयात ना खौफे कजा मदीने में गमे हयात ना खौफे कजा मदीने में नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में बड़ा है रास है राहे खुदा मदीने में आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले मैं कशा साकी ये कौसर से पीने चले दस्त साकी ये कौसर से पीने चले याद रखो अगर याद रखो अगर याद रखो अगर याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम।
मुश्किल है आका किधर जाए हम, सख्त मुश्किल है आका किधर जाए हम। आप ही घर न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे। या मुस्तफा या मुजतबा इरहम लना इरहम लना, कस्ते हम बेचारा रा दामातु दामातु भी, मन आसियम मन आजिज़म मन बेगज़म, हाले मेरा पुरसातु 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 पुरसातु। ऐ मुश्तबे ज़ुम्बर फिशा पैके नसीमे सुबह दम, ऐ चारागर ईसा नफस ऐ मून से बीमार गम, ऐ कासिदे पुरखंदा पे तुझको उसी गुल की कसम। इन्नल तैयारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम, बल्लिग सलामी रोजतन फीहन नबील मोहतरम। ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे। क्या कहेगा जहां हामी बेकसां, क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम ताजदारे हरम ताजदारे हरम। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। ZU 98.2 ZUFM 98.2 सुबह की ताजा खबर, ऑसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZUFM 98.2 पयामे जुस्तजू। इस्लामाबाद वालों क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मजे में हैं। This is morning vibes with me। आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे पूरे 11 बजे तक, करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का।
तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर से सिस्टम है, आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। So, घुनो, बहुत हुआ घुन्नापन, बता दीजिए, सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके रोजाना। अरे हम कुछ नहीं कहेंगे सच्ची में, अरे हम कुछ नहीं कहेंगे, हम आपको कहेंगे वेलकम। So, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीका है पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे शो में। क्या करेंगे आप, जाएंगे आप फेसबुक पर, सर्च करेंगे ZUFM 98.2, तो वहां पर आपको हमारा एक ऑफिशियल फैन पेज नजर आएगा ZUFM का। साथ ही साथ आप लोग जाएंगे सैयदा फरहाना अली पर, सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली फेसबुक पर ही सर्च करेंगे ऑफकोर्स। सो वहां पर आपको मेरा पेज नजर आएगा जो कि ऑफिशियल ऑफकोर्स एक ही इकलौता पेज है, अपना है, ठीक है ना। सो उसको जाकर जल्दी से आपने फॉलो करना है और आपको लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग मिल जाएगी मेरे पेज पर। पोस्ट आपको मिलेगा ZUFM के पेज पर, वहां पर आपको लिंक भी मिल जाएगा मेरी पेज का, जहां पर आप क्लिक करेंगे मेरे नाम पर तो आप डायरेक्टली लैंड करेंगे मेरे पेज पर। फिर वहां पर आप जल्दी से हमारी ना फटाफट से क्लिक करेंगे ना, तो हमारी ऑडियो लाइव स्ट्रीमिंग ऑन हो जाएगी, सही है ना, बस इतनी सी बात है। सो मजीद आगे जाएंगे तो आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा @RJFarhanaOfficial। सो वहां पर भी एक अकाउंट आपको नजर आएगा, उस अकाउंट को भी आपने जल्दी से फॉलो करना है। जाएंगे आप ट्विटर पर, ट्विटर पर जाकर सर्च करेंगे @SayyedaFarhanaAli। यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे SayyedaFarhanaAli। सो जो शोज आप मिस कर चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली आप नहीं सुन पाए सुबह सुबह, कोई बात नहीं, बाद में सुन सकते हैं, तमाम शोज आपको वहां पर मिल जाएंगे। अगर कोई शोज ऐसे हैं जो डिलीट हो चुके हैं, किसी ने आपको बताया अरे क्या शो थाउजेंड, बट आप नहीं सुन पाए ना, कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको तमाम शोज वहां पर मिल जाएंगे, ठीक हो गया। सो चाहते हैं आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए ना, तो बस जल्दी से तमाम पेजेस को फॉलो कर लीजिए, तो आपकी जिंदगी ऐसी निखरेगी, ऐसी संवरेगी, आप सोचेंगे अरे ये क्या हो गया हमारी जिंदगी में, इतनी अच्छी कैसे हो गई। सही है ना। सो अगर आप शहर से बाहर हैं, सुबह से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, बहुत इजीली हमारा शो सुन सकते हैं ऑन फेसबुक और साथ साथ एक ऑनलाइन लिंक के थ्रू भी। अगर आप ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको हमारे रेडियो का लिंक मिल जाएगा। हमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा ना आपके लिए बस निकलने का। So, बस एक शर्त है छोटी सी, आप पे से बाहर नहीं होना, क्योंकि हमारे शो में आने के लिए ना आप पे में आना पड़ता है, आप पे में आइए, हमारे शो में आइए, आपको वेलकम कहेंगे। सुजलिन जी एक ट्रैक सुनेंगे, आप बातें बहुत सारी हैं, टॉपिक्स भी हैं, इतने जल्दी वीक गुजर जाता है पता नहीं चलता, मैं बड़ा हैरान होती हूँ, मतलब आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, फिर छुट्टी दो दिन की, मतलब इतनी जल्दी दिन ऐसे गुजर रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा, चीजें इतनी सारी पेंडिंग रह जाती हैं, आप सोचते हैं चलें आज ये काम नहीं हो पाया कल कर लेंगे, बट वो कल के चक्कर में ना चीजें रह ही जाती हैं फिर। बट खैर बातें बहुत सारी हैं करेंगे, और ऑफ कोर्स हम डिस्कशन तो करते ही हैं हर बात, हमारा तो काम ही है यहाँ पे आके डिस्कशन करना। सो अभी हम आपको एक ट्रैक सुनवा देते हैं। सो अगर हम आपको कोई ट्रैक सुनवाएं राहत फतेह अली खान की आवाज में तो कैसा रहेगा? मसला ये है कि जो गाना सुनने का दिल चाहता है वो पाकिस्तानी है ही नहीं ना, बस यही तो मसला है। सो हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा गाना मैं प्ले करूं जो कि राहत का हो और अच्छा हो, और अच्छा तो होगा ऑफ कोर्स क्योंकि पता कौन सा गाना था हमने आया मेरे रश के कमर जो कि कभी हम प्ले ही ना कर दें। अरे आतिफ असलम का एक और गाना भी तो था ना, अरे वो कौन सा गाना था आतिफ असलम का, वो प्ले करते ना हम। हाँ
हाँ जी, हम आतिफ असलम का ये वाला गाना सुनते हैं ना, ये आतिफ असलम का सुनते हैं राहत का गाना बाद में सुन लेंगे, कोई बात नहीं। सो चलें जी, वापस आएंगे इस गाने के बाद करेंगे आपसे मजीद बात। जब तक आपने कहीं नहीं जाना, साथ साथ रहना है ZUFM 98.2 कर। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप चंद सेकंड के लिए भी हमारे शो से कहीं दूर चले गए ना, इतना पछताएंगे आप, फिर फायदा नहीं है। हम तो चाहते नहीं कि आप पछताएं, आप खुद चाहते तो वो एक अलग बात है। तो इसलिए शो में आपने ना बस रहना है, बस चिपके रहना जब तक दो घंटे शो है ना। शो के साथ अपने हैंड फ्री के साथ आपने बस अपने कानों में लगा के रखना है, हैंड फ्री को बता दिया जाने लगे। मतलब हैंड फ्री आपने कानों से निकालनी नहीं है बिल्कुल भी, चाहे मैं कुछ भी बोलूं। दूर जितना भी जाए दिल चाहे तुझे तुझे मिले तो दिले कवे रहना नहीं, मैं बिन तेरे जेड़े भी साड़े भी छोड़े पर भूल जा सारे मेरे को लुकाया ना कर, अंज मैंने तू सताया ना कर, अज सारे दुख सुख बोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोन वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोन वे वे आजा दिल जानिया वे कर मेर बोनिया ना दुखा विच रोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे चांद सितारे तेरी राह पे रख दिए भूल के इस चाह को तेरी चाह में ही जिए दिल तेरे हो गुजारा नहीं तेरे तो हूं कोई प्यारा नहीं कर दाए गल्ला हर कोई हूं तेरे बारे झूठा नहीं मैं सुनते सही पढ़ा नहीं दिल देते सही ना मेरा वा बिच रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे वे आजा दिल जानिया वे कर मेरे
All right, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 31 minutes past 9 on the dial right now. चलें जी, दो टॉपिक्स आपको बता देते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या चल रहा है दुनिया में, क्या खबरें शबरें. सो दो टॉपिक्स हैं बड़े मजे के. सो अच्छा, जो पहला टॉपिक है वो देखिए, हमारे घर में बड़ी पुरानी पुरानी चीज़ें होती हैं ना, जिसको घर वाले, कोई ना कोई एक बंदा ज़रूर होता है घर में जो उस चीज़ को घर से बाहर निकालने ही नहीं देता. कोई ना कोई ज़रूर होता है ना, मतलब इस चीज़, मतलब कौन सी यादें जुड़ी होती हैं, मतलब समझ नहीं आता कौन सी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं उस चीज़ से कि भाई उस चीज़ को घर से बाहर निकालने ही नहीं देते ना. सो कोई भी एक चीज़ आपने बतानी कि आपके घर में कोई सबसे पुरानी, कोई बहुत ही 30-40 साल पुरानी हो, आपकी पैदाइश से भी पहले की पुरानी हो, वो तो मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत पुराने हैं, वो कम नहीं है, बट फिर भी. सो सबसे पुरानी चीज़ आपके घर में कौन सी है जिसको आप निकालना चाहते हैं लेकिन घर वाले ना निकालने नहीं देते उस चीज़ को घर से बाहर, पहले तो ये बताएंगे. सही है, साथ साथ हमारी सोसाइटी में जो है ना बड़े कुछ आम जुमले बोले जाते हैं जो हर किसी से बोले जाते हैं, हर किसी से, मतलब यू नो, जैसे कहते हैं कि भाई तुम कहाँ गायब हो, बड़े लोग आ गए. भाई नहीं नहीं, आप ही बड़े लोग हैं, हम कहाँ, हमारे पास तो बड़ा फारिग टाइम है, आप ही बिजी हैं, बस आप ही मसरूफ इंसान, ऐसे कहते हैं ना. तो ऐसे बहुत सारे जुमले होंगे जो आपको रोज़मर्रा यू नो ज़िंदगी में सुनने को मिलते होंगे अपने आस पास के लोगों से, कभी आप बहुत दिनों बाद मिलें या वैसे ही, और तुम्हारी शादी कब हो रही है. ये तो मतलब लोगों की जिंदगियों के लिए अजाब बन गई है ना चीज, अगले बंदे को टेंशन नहीं है, दूसरों को टेंशन है. भाई क्यों, आप तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही, मतलब क्यों, आपको क्या मसला है. आपसे ज्यादा ना आपके पेरेंट्स से ज्यादा ना रिश्तेदारों को, आसपास के लोगों को बड़ी टेंशन होती है. अरे तुम्हारी शादी नहीं हुई, इसकी शादी क्यों नहीं हो रही है, अभी तक क्या हो गया, हम दिखा देते हैं रिश्ता फलाने और ये वो, मतलब अजीब है बात, बहुत अजीब. मुझे लगा कि पता नहीं क्यों एसी कल इतना चल कर रहा था, आज बिल्कुल भी चल नहीं कर रहा, ये बात है. ओके तो चलें जी, दो टॉपिक्स आपको बता दें, सोसाइटी में बोलने वाले आम जुमले आपने बताने जो आप बहुत ही रिपीटेडली सुनते हैं, जो अक्सर लोग आपसे तंजिया अंदाज में भी कहते हैं, मजाक में भी कहते हैं, राइट, यू नो सरकास्टिक हो जाते हैं, सरकास्टिक जो भी होता है वही समझ जाए बस, सही है ना. तो क्या चल रहा है. सो भाई सबसे पहले जो खबर सामने आई है ना, वो अभी जो सामने आई है मेरे वो क्रिकेट के हवाले से, यानी कि जो आईसीसी T20 रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन है और बरकरार है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह. तो जब पाकिस्तान का कोई प्लेयर नंबर वन पर होता है तो बहुत अच्छा लगता है, दैट्स रियली गुड. साथ ही साथ तो और क्या खबरें भाई, कह रहे हैं गैस की फरहमी सर्दियों में भी जारी रहेगी, ठीक है ना. और हुकूमत की जानिब से LNG के 10 कार्गोस का इंतजाम कर लेने का भी दावा कर दिया गया है. अरे वाह क्या बात है, चलें अच्छी बात है, एटलीस्ट लोगों को 3 वक्त तो गैस ना मिले ना, कि खाना, अब उनको क्या बताओ लोग, अब कोई देर से सोकर उठे तो ब्रेकफास्ट का टाइम निकल गया तो फिर वो लंच का इंतजार करे, अब लंच में गैस आएगी तो फिर हम जो है वो अपना ब्रंच बनाएंगे, क्योंकि ना तो वो ब्रेकफास्ट होगा ना तो वो लंच होगा, है ना, वही होगा फिर. चलें जबरदस्त हो गए ये तो, साथ साथ मुझे सियासी खबरें पढ़ के इतनी हंसी आती ना, सच में सोने की कीमत कम हो गई भाई. और इसके अलावा यार, मतलब ये सियासी खबरें इतने मजे की है ना मेरा दिल ज्यादा पढ़ने का, बट छोड़े, मुझे पढ़ के इस पर तबसरे करने का इतना कोई दिल चाहता है ना, लिटरली मैं बता रही हूँ आप लोगों को, बट जाने दीजिए ना, छोड़ देते हैं. बात करेंगे आपके स्टार्स की, बात करते हैं एक्वेरियस की, एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
और भाई सर्दी का मौसम जो है वो तकरीबन आ चुका है। ख्याल रखिए अपने आसपास के लोगों को, जरूर देखिए अगर उनको किसी चीज की जरूरत है। बहुत सारे लोग जो सड़कों पर सो रहे होते हैं उनको बड़ी जरूरत होती है इन तमाम चीजों की, जैकेट्स या ब्लैंकेट्स जो आप यूज नहीं करते हैं, जो बिल्कुल सही हालत में है, प्लीज उनको वॉश करके आप जो है वो उन गरीबों को, उन लोगों को दे दीजिए जो सड़कों पर सो रहे होते हैं। क्योंकि अक्सर चीजें हमारे लिए बेकार होती हैं लेकिन वो दूसरों के लिए बड़ी कारामद होती हैं, बड़ी जरूरत की चीज होती है उनके लिए। तो जरूर इस चीज का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ठंड जो है वो जब बढ़ती है तो हम लोग तो बहुत ही मजे से आराम से, जिसकी हम शुक्र गुजारी भी कभी नहीं करते हैं, अपने घरों में सुकून से सो रहे होते हैं। लेकिन अक्सर लोग जो सड़कों पर सो रहे होते हैं, जिनके पास कंबल मयसर नहीं होते, जिनके पास छत मयसर नहीं होती है, तो उनका जरूर ख्याल करें प्लीज। तो ये एक छोटी सी गुजारिश है आप तमाम लोगों से, आप लोगों से जितना हो सकता है ना उतना जरूर किया करें किसी के लिए, क्योंकि आज हम किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे ना तो कल अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते आसान बना देगा। हम ये छोटी छोटी बातें सोचते नहीं, हम कहते हैं कि हमारे पास तो इतना नहीं है कि हम किसी की मदद कर सके, लेकिन आप जितनी भी मदद कर सकते हैं ना एटलीस्ट उतनी मदद जरूर करें, क्योंकि कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, अल्लाह ताला तो आपकी नीयत देखता है ना, आपकी नीयत क्या है, आपकी नीयत साफ है तो फिर बस वही चीज़ काउंट होती है, चाहे फिर वो छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें, दैट डजंट मैटर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई किस मजहब से ताल्लुक रखता है, किस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, बस आपने जो है ना अपना काम पूरा करना है, ठीक है ना। सो चलें जी बात करते हैं क्वेरीज की। एक बात जहन में आई क्योंकि सर्दी का मौसम, ऑफ कोर्स आज बहुत ठंडी हवा चल रही है, मौसम अचानक से चेंज हो चुका है, दोपहर में ठीक हो जाता है मौसम, नॉर्मल हो जाता है, लेकिन शाम में फिर वो ठंडी ठंडी हवाएं, मजे की हवाएं ना आजकल, इतने मजे की हवाएं कि बस। सो चलिए जी, सो आज अपने मुलाजमत अमूर की अमूर में पैदा होने वाली रुकावटों के असरात आपके घरेलू अमूर पर भी असरअंदाज हो सकते हैं, जिससे आपके लिए दो दो जगह एक ही मुश्किल काम को निपटाना दुश्वारी का सबब बन सकेगा। लेकिन अगर आपका अमूर ठीक हो, सोच मजबूत हो और आपके इरादों में इस्तकामत हो, तो आपके लिए सब कुछ निपटाना बहुत आसान होगा, बल्कि उससे भी कुछ आगे बढ़कर मुस्तकबिल के मंसूबे आप बना सकते हैं। किसी भी किस्म की माली कमजोरी की वजह से आपको अपने करीबी दोस्त की मदद हासिल करके अपने मामलात को मुस्तहकम बना लेना चाहिए। आज अपने आप को हर तरह की कयास सराइयों से दूर रखने की कोशिश लाजमी करें ताकि आप अपने आप को पुरसकून बना सकें। बात करेंगे हम पाइसिस की, पाइसिस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सो आज किसी अहम मुलाकात की वजह से आप काफी परेशान हो सकते हैं, अगर आपने खुद को ना संभाला तो यकीनी तौर पर आप किसी पेचीदा सूरत हाल का शिकार हो सकेंगे। इसलिए अपने आप को पुरसकून बनाएं और मुकम्मल एतमाद के साथ अपने मामूलात की अदायगी यकीनी बनाएं। आपको अपने अहदाफ पर मुकम्मल तवज्जो दरकार होगी, जिसमें कोई सीनियर फर्द आपकी मदद कर सकेगा, आपको शाम में अपने अहले खाना के साथ मिल बैठने का मौका मैसर आ सकेगा, कि जिसकी वजह से ही आप अपनी मसरूफियात या फिक्र परेशानी को भुलाकर अपनी जिंदगी को पुरसकून बना सकेंगे। अपने माली सूरत हाल के बारे में किसी किस्म का तरद्दुद ना करें, बल्कि नए जराए आमदन की जानिब तवज्जो दें। बात करेंगे हम एरीज की, एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सो आज अपने उन घरेलू और कारोबारी मामलात या मसाइल को हर हाल में खत्म करने की कोशिश करें कि जिनका आगाज बहुत अरसे कबल आपने खुद ही किया था। अब जिस तरह भी मुमकिन हो अपने प्यारों से मुशावरत करके अपने आप को किसी भी मुमकिन तूफान से बचाने की कोशिश करें। कौन सा तूफान आ रहा है? सो अपने हलके में शामिल किसी खातून की मदद और मौजूदा मामलात के बारे में नसीहतों को नजरअंदाज ना करें, बल्कि उनसे फायदा उठाने की कोशिश करें। अपने माली हालात को मुस्तहकम करने के लिए आप जिन कोशिशों में मसरूफ हैं उनमें बेहतर मकाम आने के बाद ही अपने किसी दोस्त की जानिब से पार्ट टाइम मुलाजमत की पेशकश आपको मौसूल हो सकेगी, कि जिससे आपका बजट बेहतरीन हालत में आ जाएगा। बात करेंगे हम टॉरस की, टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज हालात की वजह से अपने जहनी दबाव में इजाफा होने से खुद को बचाएं, वरना बहुत सारे मामलात खराब हो जाएंगे। आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि अपने अहम फैसलों को आज के दिन मुलतवी कर दें और अपनी मामूल की सरगर्मियों को ही जारी रखने की कोशिश करें, ताकि दूसरों पर मुरतब होने वाली आपकी शख्सियत का जो असर है वो पूरी तरह से कायम रहे। आपको किसी भी लंबे सफर का इरादा तर्क कर देना चाहिए और अपने मामलात को संभालने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको आज सबसे ज्यादा अपनी सेहत की जानिब तवज्जो मरकूज रखनी होगी। जबकि सर में या फिर आपकी बॉडी में होने वाली टूट फूट आपके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ देह साबित हो सकती है। ओके, यानी कि सर में दर्द हो सकता है, सर में टूट फूट नहीं होगी। बात करते हैं जेमिनी की। सो आज अपनी कारोबारी मसरूफियात बहुत ज्यादा होने की वजह से अपने घरेलू मामलात पर मुनासिब तवज्जो ना दे सकेंगे, कि जिसकी वजह से घर में भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन इन सब अमूर को संजीदगी से निपटाएं और किसी किस्म की जल्दबाजी से काम ना लें, वरना नतीजे बेहतर शक्ल में सामने ना आ सकेंगे। अपने जारी मंसूबों पर तवज्जो दें और याद रखें कि आपके सीनियर्स आप पर ही अपनी तवज्जो मबजूल किए हुए हैं, यानी कि वो तमाम आपकी हरकत और सकनात नोट कर रहे हैं।
سو اپنے جاری معاملات کو مستحکم کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے معاہدے سے بچیں, کیونکہ اس میں آپ کو نہ صرف مالی خسارہ ہو سکتا ہے بلکہ آپ کی کاروباری ساکھ بھی داؤ پر لگ سکتی ہے. بات کریں گے کینسیرینز کی. کینسیرینز کے لیے آج کا دن کیسا رہے گا؟ آج اگر آپ ڈرائیونگ کرنا چاہ رہے ہیں یا گاڑی چلانا آپ کی مجبوری ہے, تو عام حالات کی نسبت زیادہ احتیاط کرنے سے ہی کسی بھی نقصان سے بچ سکیں گے. سو اپنا صدقہ دینے اور اس میں اعظم کی تکرار ضرور جاری رکھیں, یعنی کہ اللہ کا نام لے کے گھر سے نکلیں, دعائیں پڑھ کے گھر سے نکلیں, یقیناً آپ پرسکون ہو جائیں گے. سو آج آپ کو اپنے تعلقات کے بارے میں اہم احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی, جبکہ اپنی ملاقاتوں کا شیڈیول بھی نئے سرے سے مرتب کرنا ہوگا تاکہ آپ کی طے شدہ ملاقاتیں کم سے کم ہوں, کیونکہ آج آپ لاپرواہی یا بیزاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسروں کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اس لیے اپنے آپ پر قابو رکھیں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. بات کریں گے اب ہم آپ کی کامنٹس کی, کیونکہ ہم نے اسٹارز کی بات کر لی ہے. سو دیکھتے ہیں کون کون کہاں کہاں سے موجود ہے ہمارے ساتھ. تو ہم نے آپ سے پوچھا بھی آپ کے گھر میں سب سے پرانی چیز کیا ہے, جو آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایک فرد ایسا ہوگا کہ جو اس چیز کو جو ہے نا نکالنے نہیں دیتا ہوگا گھر سے باہر. نہیں, یہ چیز تو گھر سے باہر جائے گی نہیں, بتا رہے ہیں. ایسی کوئی چیز آپ نے بتانی ہے کہ سب سے پرانی چیز کیا ہے آپ کے گھر میں. سو ساتھ ساتھ ہم نے آپ سے پوچھا بھائی جو نارمل جو جملے آپ سے کہے جاتے ہیں اکثر, وہ کون سے جملے ہیں جو سوسائٹی میں ہم یو نو اکثر چلتے پھرتے ایسے بھی ان نون لوگ بھی کہہ دیتے ہیں آپ کو بلا وجہ میں, جانتے وانتے نہیں ہیں, ایم ہی کہہ دیتے ہیں بھائی جاننا پہچان کیوں بن گئے مہمان بلا وجہ. سو صحیح ہے نا؟ سو چلیں بتائیں اور دیکھتے ہیں کون کون کہاں کہاں سے موجود ہے ہمارے ساتھ, کس کس نے اپنی اٹینڈنس مارک کروا دی, اور کون ہے جو ڈھیٹ ہے جس نے ابھی تک اپنی اٹینڈنس مارک نہیں کروائی ہے. اچھا جی, عمر ادریسی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ. اور یہ ہیں حزب اللہ بروہی, حزب اللہ افغانستان سے میسج کر رہے ہیں. اچھا جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور ساتھ ہی ساتھ محمد یاسر کہتے ہیں سلام, گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا بھی. اور محمد فراز ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہتے ہیں کہ السلام علیکم آل, وعلیکم السلام, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کرن خان کہتی ہیں کہ السلام علیکم, ہاؤ آر یو فرحانہ علی سسٹرز, سسٹرز ایک ہی ہوں میں یہاں پہ تو فی الحال. وعلیکم السلام, الحمد للہ ویری ویل, آپ بتائیے کرن آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں, آپ خیریت سے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ فراز کہتے ہیں کہ کیا حال ہیں اور کل کیا بنایا؟ میرے حال بہت اچھے ہیں الحمدللہ, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں. اور کل کیا بنایا تھا؟ کل میں نے چکن بنائی تھی. کرن خان کہتی ہیں کہ ویلکم ٹو دا شو, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. فراز کہتے ہیں ہاؤ پریٹی یو آر, آئی ایم ویری مچ پریٹی. اچھا جی, کہتے ہیں ہائی گولڈ کی قیمت میں کم ہو جائے, اچھا تو تم نے کون سا خریدنا ہے؟ یاسر نیم کہتے ہیں السلام علیکم, ابھی وعلیکم السلام, کیا حال ہے یاسر, کیسے ہو لڑکے, آ گئے تم. اور اسا خان کہتی ہیں ابھی میرا اسٹار بھی بتا دیں, یکم دسمبر ڈیٹ آف برتھ ہے, تو آپ کا اسٹار ہے سیجیٹیریس. اور یاسر نیم کہتے ہیں ٹرنگ ٹرنگ ٹرنگ, میں بھی آ گیا ہوں, چلو فائنلی آ گئے تم, زبردست ہو گیا, دیٹس ریلی گریٹ. رئیس احمد طاہری کہتے ہیں کہ السلام علیکم, اٹس رئیس احمد فرام لیاری کراچی لسننگ فرسٹ ٹائم, تھینک یو سو مچ فار ٹیونگ ان, بہت شکریہ. وعلیکم السلام یاسر نہیں, بہت شکریہ, گول گپے لے کر آئیں گے نا, گول گپے لے کر آئے ہوں میں. اور ساتھ ساتھ محمد فراز کہتے ہیں صحیح کہا, آج میں نا اپنا کمبل جا کے دے دوں گا. اگر تو ضرورت نہیں ہے تو ضرور جا کے دے دیجئے. شازین کھوکر کہتے ہیں کہ السلام علیکم فرام نواب شاہ, وعلیکم السلام, بہت شکریہ. وقاص غازی کہتے ہیں کہ آپ کی ہنسی اوف کیا ہو گیا ہنسی کو, چلیں بہت شکریہ, تعریف ہی کی ہوگی, آپ نے کون سی برائی کی ہوگی. کرن خان کہتی ہیں کہ اور جاگرنگ کی قیمت میں تو کمی نہیں ہوئی نا, بونگی مار دی بیٹا. اچھا جی, یاسر نیم کہتے ہیں یہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, زیڈ یو کے پیج پر شو کب سنیں گے ہم؟ یہ آپ کے پیج پر ہی سننا پڑے گا, میرے پیج پر ہی سننا پڑے گا فی الحال. اور بھائی آپ کو شو سننے کو مل رہا ہے نا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ زیڈ یو کے پیج پر سننے کو ملے یا میرے اپنے پیج پر سننے کو ملے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے کانوں میں میری آواز پہنچ رہی ہے, دیٹس میٹر لاٹ, یو نو. سو حزب اللہ بروئی کہتے ہیں آئی لو دا وے یو لافنگ, چلیں بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. مبین علی کہتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ٹھٹا سے سنتے ہیں, کرن کہتی ہیں کہ دعا آپ ہی, آپ ان آنٹی کا نام بتانا جنہوں نے کال کی تھی, ان کا نام لا رہے ہیں یا نہیں دے, ارے تم لڑکی وہیں بیٹھ کی بھی ہو ابھی تک.
क्या हो गया, अगले दिन आ गया भाई। ये लड़की वहीं अटकी हुई है। अच्छा जी, यासीन नेम कहते हैं सब दोस्त कहाँ है, मसूद अंकल कहाँ है, सब यहीं पर ही बेटा, जरा गौर से देखो आंखें खोल के। मसूद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा सैयदा फरहाना अली, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वेल, आप बताइए मसूद साहब आप कैसे हैं? ठीक हैं, आप खैरियत से हैं, मजे में हैं, सर्दी इंजॉय करें। मेरे ख्याल से आप तो यम्बू सिटी में भी सर्दी आ चुकी होगी, है ना। कहते हैं हमारी चाहतों की आरजे खुश बाश, हमारी चाहतों की आरजे खुश बाश रहे, यही हमारी दुआ रब से सदा के लिए, जजाकल्ला आमीन। कहते हैं आपने वो सियालकोट वाली दिल दहला देने वाली खबर तो क्या सुनाई है, वो खातून का शौहर दुबई से बेगम को मजाकन कॉल करके कहा कि मैंने यहाँ एक और शादी कर ली और उस खातून ने खुदकुशी कर ली। मर्दों को लगता है ना कि वो बड़ा मजाक उनके, मतलब ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए ना। वैसे खुदकुशी करना बिल्कुल जी सही बात नहीं है, इतनी छोटी सी बात पे कहते हैं जाओ कर लो। कर लो जाके, मेरी जैसे मिल जाए तो बताना, ये कहना चाहिए था। बट चले जी, क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला लोगों को अक्ल व शऊर अता फरमाए कि इतने दिल बर्दाश्त ना हो जाएं कि खुदकुशी कर लें। और किरण खान कहते हैं कि जिनको हम नहीं पसंद उनके लिए फ्री ऑफर, वो ना वो क्या वो ना दाएं जाएं ना बाएं जाएं, वो ओ माय गॉड लड़की। सही है, ठीक है। हाजी मोहम्मद बाजर कहते हैं मंजूर सरवान फ्रॉम कराची, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नदीम सईद कहते हैं गुड मॉर्निंग फरहाना जी, नाइस शो, थैंक यू सो मच। यासिर कहते हैं कि सलाम फ्रॉम मोहम्मद यासिर, अच्छा ये कोई और सी यासिर, ये मोहम्मद यासिर कहते हैं सलाम फ्रॉम मालाकंड, ओके दैट्स ग्रेट। उरुसा खान कहती हैं सबसे अहम जुमला और सुनाओ है, जब बात ख़त्म होती है फिर भी लोग कहते हैं हाँ अभी और सुनाओ। सही बात है, और सुनाओ कहते हैं, और इस जुमले पर ना गुस्सा भी बहुत आता है। सही बात है, और सुनाओ, अभी ख़त्म हो गई बात ही, और सुनाओ और क्या हो रहा है, और सुनाओ। सही बात है। आबिल पेंटर यानी कनीज कहती हैं अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग फरहाना जी, मैं कनीज, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसी हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं। साथ साथ यासिन कहते हैं मेरे घर में सबसे पुरानी चीज़ मेरा पेन है जो किसी ने गिफ्ट दिया था। ओ माई गॉड, तेरी चूड़ियों की आवाज़ सुन के मेरा दिल झनझना टूट गया। पेन संभाल के रखा है लेकिन फिर भी चाहे दिल टूट जाए, है ना। अपनी बात नहीं करी, तुम्हारी बात कर रही हूँ। पता चले लो मेरे ऊपर आ जाए फौरन, ये ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं जो भी बातें करती हूँ ना अपने लिए बिल्कुल भी नहीं करती। सो अच्छा जी, कहते हैं कि मेरे घर में सबसे पुरानी चीज़, हाँ ये मैंने पढ़ लिया, थैंक यू सो मच। शाहनवाज कहते हैं कि जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, जिसने ये कहा उसको ज़रा पकड़ के तो लाना। किरण खान कहती हैं और भी तो इतनी सारी सिस्टर्स आती हैं ना, इसलिए कहा सिस्टर, चलो ज़बरदस्त हो गया। शाहजेब शाह वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच। एजाज मुल्तानी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लवली फ्रेंड्स, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मुबीन अली कहते हैं सलाम टू ऑल लिसनर्स, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। जाहिद आकाश कहते हैं कि हाय आबी जी, कैसे हो लड़के? ठीक हो, खैरे से हो? हिजबुल्ला, एक तो यार मैं नाम में डक रही हूँ, क्या नाम है ये? हिजबुल्ला कहते हैं मैम मैं लाड़काना से हूँ, अफगानिस्तान से नहीं हूँ। नहीं मजाक कर रही थी मैं। अच्छा जी, एजाज मुल्तानी कहते हैं शो इज ग्रेट, वॉइस इज ऑसम, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वसीम उस्मानी कहते हैं सलाम फरहाना, मेरी भी लबैग लगा दें। वालेकुम अस्सलाम जी, आपके डंडे से दिमाग कर दी। कहते हैं हमारे घर में सबसे पुरानी चीज़ है नेमत खाना, नेमत खाना, हाँ अरे हाँ मुझे याद आ रहा है, नेमत खाना ना, वो एक अलमारी टाइप का होता है, जैसे जैसे डिवाइडर्स होते हैं ना, इस टाइप का होता है, कैसे ना डिवाइडर्स होते हैं, डिवाइडर नहीं होता। आम जबान में, आम फैम में कहते हैं डिवाइडर, वो होता है डिवाइडर। कहते हैं वो जो पुराने ज़माने में खाना और मिल्क वगैरह रखते थे, पर दादी के ज़माने में का है, घर वाले तो फेंक रहे थे, मैंने संभाल के रखा हुआ है। ओके चलें, ठीक हो गया। साथ साथ मुराद अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस वॉइस आरजे, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुराद अली। साथ ही साथ जायद आकाश कहते हैं कि गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच। और साथ साथ यासिर नईम कहते हैं आगे मुझसे तो कोई नहीं सवाल करता, लेकिन मेरी वालदा से सब मेरे बारे में बोलते हैं कि यासिर की शादी कब कर रही हो, तो मैं फ़ौरन जवाब देता हूँ कि लाइफ एंजॉय करने दो भाई। वैसे ही चूड़ियाँ टूट चुकी हैं, चूड़ियों की आवाज़ नहीं, चूड़ियाँ नहीं, चूड़ियों की आवाज़ सुन के दिल झनझना टूट गया ना। हाँ वो ये वाला सही है, ठीक है ठीक है। सो मजाक कहते हैं आगे, मैम मैं जिस पुरानी चीज़ को निकालना चाहता था वो उल्टा कहते हैं वो
उल्टा पड़ गया, उसने ऐसी दुआ मांगी कि मुझे ही सास समंदर पार होना पड़ा। ओके देखें आप कभी किसी दिन ये तैमूर की नानी तक ये वाली बातें पहुंच गई ना, मतलब सोच रहे फिर महसूस आप आपकी सोन पापड़ी बन जाएगी फिर। किरण खान कहती है ये बोंगी क्या होता है, बेटा तुमने जो मारी वो बोंगी होती है। सियासत मीर इरफान हुसैन बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शहजाद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सुबह खैर। आप ही वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शहजादे, कैसे हो, ठीक हो, खैरियत से हो, मज़े में हो। ओके किरण खान जो है ना, किरण जो है ना वो जोक क्रैक कर रही हैं। अच्छा जी, जायदा काश कहते हैं कि मेरे घर पुरानी तस्वीरें रखी हैं दादा दादी नाना नानी की। ओके अरे तस्वीरें तो होंगी सबसे पुरानी, वो तो है, तस्वीरों के अलावा कौन सी चीज़ आपके घर में सबसे ज़्यादा पुरानी है। मीर इरफान हसन कहते हैं कि आप ना मेरे SMS क्यों नहीं पढ़े, आपने मेरे SMS नहीं शामिल करते भाई हम अपने शो में, सीधी सी बात है। हम सिर्फ कमेंट्स को शामिल करते हैं फेसबुक के, ठीक है, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग पर कमेंट्स करें हम यहाँ से शामिल कर लेंगे, इतनी सी बात है बस। जब यहाँ पे कमेंट्स कर सकते तो फिर क्यों रो रहे हो। हिजबुल्ला कहते हैं प्लीज प्ले अ सॉन्ग ऑफ राहत फतेह अली डेडिकेट टू माय फ्रेंड आशिक अली बिरोही फ्रॉम लाड़काना एंड नेफ्यू वस्मतुल्ला हसीबुल्ला एंड एम जायान। नाइस नेम जायान। अच्छा जी ओके, साथ साथ अली असगर बलोच कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे फरहान अली, मेरी तरफ से सब सुनने वालों को सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। नुमान खान कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। फराज कहते हैं ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। अच्छा ठीक है, साथ साथ हाजी मोहम्मद वाजिर कहते हैं ऑलवेज ब्यूटीफुल वॉइस अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू सो मच जी, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया आपका। नुमान खान कहते हैं नाइस शो, यासिन कहते हैं हा 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 मजे ले लो। नहीं मैं क्या मजे ले रही हूँ, मैं तो सिर्फ ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। नुमान खान कहते हैं आपकी पूरी टीम को सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इन्होंने लिखा आपकी प्योर टीम को सलाम, प्योर प्योर टीम को सलाम, नहीं प्योर ही है हमारी टीम, मिलावट वाली नहीं है। अच्छा जी, वकास गाजी कहते हैं मेरे घर में ना सबसे पुरानी चीज मेरा भाई है। खुदा का खौफ करो लड़के। इंसानों की बात नहीं करी। नुमान खान कहते हैं अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और उषा खान कहते हैं चाहे जितना भी पढ़ लो, जितने भी अच्छे ग्रेड्स ले लो, लेकिन कभी भी और सुनाओ का जवाब नहीं दे पाओगे। हाँ क्यों नहीं। नुमान खान कहते हैं आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है, आप ही चले, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच। जायदा काश कहते हैं अभी मेरे पास ना दादा की क्या लाल टेन भी रखी है, लाल टेन, ओके ठीक है। और साथ साथ महसूस साहब कहते हैं कि मैम आप तो राहत फतेह अली को सुनवा रही थी और जग हुमैया थारे जैसा ना कोई, पाकिस्तान के ज़्यादातर बॉलीवुड में गाए पाकिस्तानी सिंगर्स के गाने बजते हैं, ZDFM पे क्यों इतनी पाबंदी है। फिलहाल जो है वो पैमरा की तरफ से हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो जैसे ही ये रेस्ट्रिक्शंस हटेंगी तो हम ज़रूर पाकिस्तानी सिंगर्स के जो गाने उन्होंने इंडिया में गाए हैं हम उनको ज़रूर प्ले करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, महसूस साहब चिल करें फिलहाल। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं ताहिर शाह का सॉन्ग सुना है आपने, आई टू आई, आई टू आई, ओके यार आईज फॉर आईज, आईज फॉर आईज नहीं है, आईज फॉर आईज, आई टू आई है, तो नाम भी गलत बताते हो तुम। आदिल कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, क्या हाल है मेरे मलेशिया वाले भाई। जायद आकाश कहते हैं आप ही सॉन्ग प्ले कर दो, मैं मुझको झुलाओ माँ, मुझको झुलाओ ना झूला रे। अच्छा रोने का इरादा है। फराज कहते हैं जो भी है, चलो ठीक है जो भी है। चलें गाना सुनते हैं, कौन सा सुनेंगे जरा देख लेते हैं। राहत यार ये वाला गाना जो है ना, अली जफर का गाना मुझे बड़ा पसंद आया, लिटरली मुझे बहुत पसंद आया, मैंने इसको प्ले किया था अभी कल नहीं परसों प्ले किया था, तो आई जस्ट लाइक रियली लाइक्ड इट यू नो, सो मुझे बहुत पसंद आया। चलें हम ये वाला सॉन्ग सुनते हैं पहले, ये पश्तो गाना सही है, लाड़शा पेखावर, ये कैसा नाम है। तो चलें ये वाला गाना सुनेंगे, सही है, फिर इसके साथ साथ ना एक और गाना सुनेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बस आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कहीं पर भी चले गए ना, इतना कुछ मिस करेंगे हमारे शो से, बाद में बचाएंगे, तो हम नहीं चाहते ना बचाएं, तो ना बचाएं, तो ना जाएं हमारे शो से, साथ साथ रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। Thank you.
सुन सजना वे दिल दी आवाज़ां तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ां मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे ते राती गिणदा रहंदा तारे असी तारे गिनण दे नी हुण माहिर हो गया तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया असी तारे गिनण दे नी हुण माहिर हो गया तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया किताब लिखी है? नहीं मैंने नहीं लिखी है गाना सुनते हैं मैंने एक किताब लिखी है मैंने एक किताब लिखी है उस किताब के पहले सफे पर तेरा नाम तेरा नाम लिखा है तेरा नाम ओके सो 10 बज चुके हैं सो जब 10 बज जाते हैं तो हम क्या करते हैं आपकी कॉल्स को शामिल करते हैं ठीक हो गया ना सो चलें जी सब कॉल कर सकते हैं 03-2136-6-0303 इज द नंबर टू कॉल नए नवेले हो पुराने हो जितने भी लोग जो भी चाहे नंबर डायल कर सकते हैं कॉल होगी 4 मिनट की सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे टॉपिक पर और इसके अलावा कोई ऐसी लंबी गुफ्तगू प्लीज मत कीजिएगा कि जिसके दौरान आपकी कॉल ड्रॉप हो जाए ठीक है ना तेरा नाम क्योंकि खुद ही ड्रॉप हो जाएगी कॉल 4 मिनट में तेरा नाम फिर हमसे मत कहिएगा कि हमें खबर ना हो क्योंकि हमने तो बता दिया मैंने सीधी सादी बातें लिखी
लिखी हुई बातों से भी आती है आवाज। आ रही ना मेरी आवाज तो बस आपके मुझे देखिए खांसी हो गई। अच्छा जी, मैं ना पहले आपके स्टार्स की बात कर लेती हूँ, उसके बाद हम जो है वो आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे, कमेंट्स को शामिल करेंगे। बात करते हैं लियो की, लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मैंने जो आवाज सुनी है, मैंने जो आवाज सुनी है, उस आवाज के पहले सुनू जी। आज सितारों के असरात आपके तयशुदा मामलात में ताखीर पैदा कर सकते हैं, इसलिए गैर मुतवक्के रुकावटों की वजह से होने वाली ताखीर से दिल गिरफ्तार ना हो, अपने वजदान पर तवज्जो मरकूज करके अपने आप को पुरसुकून बनाने की कोशिश करें और तमाम मामलों का एक बार फिर से जायजा लें। अगर आज भी आपने अपने माली हालात को बेहतर बनाने के लिए दूसरों की जाने भी अपनी तवज्जो मबजूल रखी है, उनसे ही किसी मदद के ख्वाह रहे, तो आपकी तवक्कात का पूरा होना मुश्किल हो जाएगा। टॉपिक दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि लोग ये आकर ना कहें कि आपने टॉपिक बताया नहीं, तो हमें तो याद ही नहीं कि आज का टॉपिक क्या है। सही तो मैं बता रही हूँ यार। So, टॉपिक है, आपने बताया ना आपके घर में सबसे पुरानी चीज क्या है, सबसे पुरानी चीज आपके घर में कोई भी हो वो आपने हमारे साथ शेयर करनी है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कोई पंखा भी हो सकता है, कोई यू नो कोई सेवर भी हो सकता है, कोई बल्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप खुद वो तो हैं पुराने, ठीक है, तस्वीरों के अलावा, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें हो सकती है। कोई संदूक होगा, संदूकची होगी, संदूकची भी होती है ना छोटी सी संदूकची, सो जो भी होगा व्हाटएवर, कोई मटका होगा जो बहुत पुराना होगा, सुराही होगी बहुत पुरानी होगी। पहले मटके हुए करते थे ना, यू नो जब फ्रिज वगैरह इतने ज़्यादा कॉमन नहीं थे, हर किसी के घर में मौजूद नहीं होते थे, तो उस टाइम पर मटकों का इस्तेमाल किया जाता था जिसमें ठंडा पानी होता था। तो मटके सुराहियाँ अगर आपके घर में हैं स्टिल वैसे पॉसिबल नहीं, टूट जाती हैं ऐसी चीज़ें, तो चलें कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आसिर, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, बहुत ही उम्दा जी। तो सवालों के जवाब तो दे दिए मैंने, दे दिए। चलो और गाना सुना दो फिर, तुम और कुछ कहोगे इसके अलावा? और नहीं, एक मटके की बात करनी, मटके के ऊपर बात करनी थी। मटका जो है ना, मैं उसमें अभी भी पानी पीता, अभी भी पानी पीते मटके में, तो पानी नहीं पीता मैं। अच्छा फिर, लेकिन जो उसमें ताजगी होती है ना वो आपने पिया है कभी? हाँ हाँ पिया है, क्यों नहीं पिया? फिर आपको चाहे खुद कि उसमें लज्जत कितनी आती है। मतलब वो एक अलग ही उसका तो एक, मतलब आपको फ्रिज का पानी जो नुकसान देता है ना, मटके का पानी आपको नुकसान नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही। और आप सुनाए, काफी टाइम बाद बात हो रही है आपसे। मैं बिल्कुल वैसी एकदम जबरदस्त। अच्छा अभी ये बोलते बोलते किसी और बच्ची की एंट्री हो गई थी। हाँ ये हो जाता है, कोई नहीं। और बताओ। और हाँ दो लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा। हाँ जी प्लीज सुनाइए। ऐसे नहीं बोले। हाँ क्या बोलूँ फिर, मतलब भरम से। चलो सुनाओ फटाफट, ऐसे बोलू भरम से, चलो सुनाओ। तो अभी लगे ना मुझे, तो अभी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा। इसकी आवाज तो गायब हो गई। तेरे हाथों की मेरी चाहता तो चैन को भी जब सांसे भरो आंखें करो मैं नजर तो आया दिल को करार आया प्यारा पहली पहली बार आया।
करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा। वाह क्या बात है यासिर, क्या बात है, जबरदस्त, अमेजिंग, लवली ट्रैक। और उसमें जो थोड़ा आपका भी तो था, मजा आ गया, मजा आया। मसूर की दाल क्या, सॉरी, मसूर की दाल देसी घी का तड़का। तो सही, अच्छा सही है, चलो जबरदस्त हो गया। हाँ बस मैं, ये मेरा बहुत फेवरेट ट्रैक है, सो आई जस्ट लव दिस ट्रैक। सो चलो बहुत शुक्रिया यासिर, और कुछ कहना चाहोगे इसके अलावा? फाइनली मैंने वालिद साहब को ना राजी कर लिया। राजी कर लिया, मान गए, देखा मैंने बोला था ना कि राजी हो जाएंगे, देखो जो मैं बोलती हूँ ना वो हो जाता है। बिल्कुल, आप तो बाबा हो। आप बाबा, बाबी हूँ मैं। बारबी हूँ मैं, बारबी। चलो सही है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, सलामत रहिए, लाहाफेज लाहाफेज। सो अरे गाना कहाँ चला गया, ख़त्म हो गया गाना, हमें तो पता ही नहीं है कि गाना ख़त्म हो चुका है। चलें जी आ जाओ भी शुगर ब्राउनीज। चलें जी ये कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है वर्सल लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ सही है। सही है मतलब ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? बस अल्लाह की साल में रखे, करम है मालिक का। चैलेंज जी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, एकदम परफेक्ट। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरी बिटिया को ऐसी हिदायत दे, हाँ, कि मेरी कॉल लगती है नहीं उठाती, फौरन उठा लिया करे। अच्छा। अंकल मैं तो बस उठा लेती हूँ, देखिए आपकी कॉल तभी तो लग जाती है। आज दो बार कॉल मेरी मिली आपने नहीं उठाई। अच्छा, तीसरी बार कॉल लगी जब आपने उठाया। अच्छा नहीं वो कुछ काम, अंकल बीच बीच में कुछ काम भी आ जाते हैं ना, जरूरी मैसेजेस आ जाते हैं, उनको जवाब देना जरूरी होता है। हाँ कमेंट्स है, लेक्चर है, फिर वो स्टार है, पता नहीं क्या क्या है, कभी इधर कभी उधर। ऐसे ही है बस अंकल, क्या करें। वो इसमें कभी साबिर भाई भी आ जाते होंगे? नहीं नहीं साबिर भाई तो नहीं आते। हाँ तो मोहसिन भाई आ जाते होंगे, चाय पीनी है? मोहसिन भाई भी नहीं आते। और बेटा और बस अंकल मेरी तबीयत एकदम जबरदस्त है। अंकल आप बताइए आप कैसे, ठीक है, खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह करम है मालिक का। तो क्या कहेंगे अंकल? क्या कुछ सोचा नहीं है, बस वो ये कहना था पहले मैं हल्की फुल्की गुफ्तगु कर लूँ मेरी बिटिया से। जी जी, कि मैंने आपको ना हफ्ते को और इतवार को दो दिन में तीन वो भेजे हैं फीडबैक, और ये 15 तारीख का जो शो आया वो मैंने कल देख लिया, सुन लिया, और इसकी भी फीडबैक मैंने भेज दिए। सही है, ठीक है। तो मैंने कहा मैं बता दूं आपको, मैं जरूर देख लूंगी। 16 का और 17 का आएगा, आज वो आ जाएगा इंशाल्लाह अंकल। और ये 15 तारीख का जो मैंने शो सुना, तो भाई आखिरी कॉल जो थी वो बड़ी 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 बेहतरीन कॉल थी, वो मिसिस तबीबा साहिबा, मिसिस फारूक। बिल्कुल। बड़ी अच्छी गुफ्तगु की इन्होंने, और ये मोहसिन लियाकत जी, इन्होंने कहा कि भाई कॉल नहीं लगती, हमारी कॉल नहीं लगती अंकल, तो भाई इनसे कहो, अंकल कह रहे हैं कि अंकल तो लाहौर नहीं आ सकते दोबारा, क्योंकि वो अंकल तो 1970 में देखा लाहौर। सही। अब अंकल कराची छोड़ के नहीं आ सकता, आप कराची आए, अंकल आपको खाना भी खिलाएगा, लस्सी भी पिलाएगा, क्या बात है, कॉल करना सिखा देगा आपको, जबरदस्त हो गया, मिनटों में नहीं सेकंडों में कॉल मिल जाएगी आपको। जबरदस्त, क्या बात है। क्या बात है अंकल। और इसके अलावा? इसके अलावा बस यही कहूंगा, सभी लिसनर को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अंकल, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखें, मौसम चेंज हो गया है, सब ने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हाँ तो सुनो ना जी जी, सुनाइए सुनाइए, मौसम चेंज हुआ है ना, तो आप भी ना अंकल का ख्याल रखते हुए ना अपने शो में थोड़ी सी तब्दीली ला के ना शो पे किया करे। क्या किया करूं? लिसनर को मजा आए, ठीक है मेरा कलेजा। क्या किया करूं शो में तब्दीली लाके क्या करूं?
भाई मौसम चेंज हुआ ना, तो आप भी जरा अपने मॉर्निंग वाइब शो में थोड़ी सी तब्दीली कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा। सा चेंज करें, चेंज कर दूं ताकि अच्छा हो लोगों को मजा आए। अच्छा। यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है कि चाय की जगह जरा कॉफी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, चलें ठीक हो गया, हमने आपकी सजेशन जो है नोट कर लिए। जरूर जरूर, अल्लाह आपका आमीन नासिर। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अंकल, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। हाफिज हाफिज। ओके चलें कुछ कमेंट्स को भी साथ साथ शामिल करते हैं। और फराज कहते हैं अंकल, अरे फरहाना अंकल की कॉल ना लास्ट में लिया करो। नहीं अंकल, इतने टाइम से डायल कर रहे होते हैं, अच्छी बात नहीं है। साथ साथ मजर अब्बास वीहा कहते हैं लैया पंजाब से, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। शाहनवाज कहते हैं तुम्हारी हर वक्त हर वो जीत हार है जिसका मकसद दूसरों को नीचा दिखाना हो। बिल्कुल जी, दुरुस्त बात है। मसूद साहब कहते हैं कि क्या बात है, यासिर का आता है क्या, यासिर का आता है तो कैसे क्या, अच्छा कहते हैं यासिर की क्या बात है, अगर वो आता है तो छा जाता है, उसने अपने बाबा को राजी कर लिया तो हम उसे बधाई पेश करते हैं, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। जायदा काश कहते हैं बाबा जी मेरी शादी कब होगी। सो एजाज मुल्तानी कहते हैं कि नानो अम्मी का छोटा बॉक्स है, अरे वाह क्या बात है, क्या क्या है उसमें, मतलब हमें तो ये क्यूरियोसिटी होने लग जाती है ना, मतलब है क्या उसमें। मसूद साहब कहते हैं मैम आपके जहीन लिसनर सलमान शाह ने भी एक किताब लिख रहे हैं चोरी की, चोर की दाढ़ी में तिनका। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप उसका टाइटल बदल कर रख लें, और मीठे बोल और किरदार में झोल, मीठे बोल और किरदार में झोल, कहते हैं ये सही रहेगा। मसूद साहब आप जो है ना सही एकदम। इस बुल्ला बिरोए कहते हैं निकम्मे किसी काम का नहीं है, ये सुनने को मिलता है आपको। अच्छा शाहजेब शाह कहते हैं कि मेरी परदादी बहुत पुरानी है, खुदा का खौफ करो लड़की, मैंने क्या बोला है। मोहम्मद यूसुफ खास कहते हैं कि जदीद तहकीक से पता चला है कि औरतें अपने बच्चों को इतनी तेज आवाज में इसलिए डांटती हैं ताकि शोहर में खौफ बना रहे। ये क्या है। और साथ साथ फराज कहते हैं कि जिस दिन आपने किताब लिखी ना सब लिखना छोड़ देंगे, बस करो बेटा तुम्हें अभी मेरे टैलेंट का अंदाजा ही नहीं है। फराज कहते हैं कि अरे 10 बज गए हैं, हाँ हमें भी पता है 10 बज चुके हैं। कॉल को शामिल करते हैं, चले देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मेरी प्यारी प्यारी फरहाना अली, क्या हाल है आप, कह रही साहिबा मेरे मिजाज बहुत ही आला बेहतरीन उम्दा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक, वही मैं हूँ और वही रब की शुक्र गुजारी है। क्या बात है सारी कबूल फरमाएगा, आमीन आमीन, जबरदस्त। आज मेरी फरहाना मेरी टीचर, क्वेश्चन लेके आई हूँ, सवाल। हाँ जी प्लीज। आपकी ना इतनी बातें गौर से मैं सुनती, लेकिन वो जो बात आपने की है ना वो मैंने मुट्ठी में पकड़ ली। हाँ, कौन सी? लेकिन कॉल मिला ली कि आप कल कह रही थी यार हमें ना यकसानियत पसंद नहीं है, तो ये यकसानियत पे जरा बात कर दे, यकसानियत फिर है क्या, क्योंकि ना कई काम हमें रोज करने होते हैं कि जैसे सुबह उठे फिर नाश्ता किया फिर अब जैसे कि जॉब है, तो ये जरा यकसानियत पर ये वाला नहीं, ये तो नॉर्मल चीज है ना, ये वाली तो नॉर्मल चीज है, कुछ चीजें आपको बोर कर देती है ना, जैसे अगर मैं एक गाना मैं कितने दिन सुनूंगी, एक हफ्ता दो हफ्ते, तो मैं बोर हो जाऊंगी ना उससे। हाँ नहीं तो मतलब ये यकसानियत फिर एक अलग चीज है, बोर होना अलग चीज़ है, यकसानियत से तो बोर होते हैं इंसान। नहीं नहीं मैं कोई टीचर नहीं हूँ। आज क्या टॉपिक ले आई, टॉपिक आज का ये भाई आपके घर में सबसे पुरानी चीज कौन सी है। नहीं इंसानों के अलावा भी बहुत सारी पुरानी चीजें होती है ना, इनको बड़ा संभाल के रखते हैं कि भाई इसको घर से बाहर नहीं निकालना कभी। तो फिलहाल वो चीजें जैसे रंगून वाला है ना, यहाँ से मैंने बहुत सारे कोर्स किए थे तो अच्छा। उसकी बनी हुई चीजें रखी, और अब यकीन मानो फराना जवानी याद रखा हुआ सब कुछ। अरे वाह क्या बात है, मतलब जैसे बीट्स वगैरह से चीजें बनाना वो मेरी है, खर्चा पहले की है। अच्छा तो वो ऐसा है कि ना मतलब मुझे याद है किस क्या चीज बनानी है, हर कोर्स माशाल्लाह अल्लाह की मदद से उसकी देन है। अरे वाह क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस मैंने कहा चलो हो गया। और दूसरा टॉपिक ये है कि भाई आपने बताना कि वो अक्सर सोसाइटी में जो आपको आम जुमले सुनने को मिलते हैं
कि जैसे भाई कहाँ गायब हो, यू नो इस टाइप के जो जुमले, कौन सा आपको सबसे ज्यादा कौन सा जुमला सुनने को मिलता है? इनकी तो वैसे ना बहुत ही ज्यादा ना मतलब भरमार है, भरमार है ना, कहने बैठे एक दो बता दें बस। हाँ बस ये है कि मुझे ये कई लोग पूछते हैं कि मतलब ऐसी जली कटे सुना देना, तो फिर पूछते हैं आप क्या बात है आपको गुस्सा नहीं आया। मैं बड़े मजे से कहती हूँ नहीं मुझे गुस्सा नहीं आया, गुस्सा नहीं आया। मुझे पूछते हैं कि क्यों नहीं आता आपको। सही है, बस ये है और अल्लाह सानिया करे। और ये हमारे ये जो अंकल है ये आजकल बहुत यानी ये तो बड़े ऐसे जैसे कि गाड़ी का आगे का इंजन होता है इस तरह से, ये आजकल इतने वो डल डल क्यों आ रहे हैं? अंकल की तबीयत ठीक नहीं है आजकल इसलिए ये वजह। नहीं मैं अब आज शुरू करूंगी अल्लाह इंशाल्लाह ताला और सबको सबके लिए दुआ है अल्लाह कामयाब करे, सेहत दे, आमीन आमीन। और हर मामले में, और ये देख ले शहजाद ने मुबारकबाद का जवाब नहीं दिया और मैंने दुआ की थी कि तुम्हारी किस्मत की जो है तुम्हें आके मिलेगी, तो ये तो बेईमानी है ना शहजाद की। और ना ख्याली ख्याली कह देता ये लो भाई ये लड्डू खा लो या जो भी बर्फी खा लो, फराना को भी कह देता, हमने कौन सा भाई आके चले अभी ये लोग आएंगे ना तो फिर अब ये खुद ही कमेंट करके बता देंगे, कॉल कर देंगे। और क्या, और ये हमारे रजा साहब आ जाएं जल्दी से। हाँ जी आ जाएंगे, कोई किसी की कॉल नहीं बंद करता, इतने हमारे प्यारे लोग हैं, कॉल बंद करने से आपको क्या मिलेगा? सही बात है, और क्या, सही बात है बिल्कुल, ऐसे ही तो मैं किसी की कॉल बंद नहीं करती। गाना नहीं लगाया, गाना मैं भी लगा देती हूँ आपका, बुहे बारी अब भी लगाती हूँ, अब भी लगा। फारूक को बहुत सारा सलाम और ख्याल। वालेकुम अस्सलाम, चलिए जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, खुश रखे, आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज़। ओके चलें जी, बूहे बारियां भी हम बैकग्राउंड पे जरा सुन लेते हैं और इसके अलावा हम जो है वो कॉल्स को भी शामिल करते हैं। पहले जो है वो हम गाना लगा देते हैं। ओके चलें जी, आ गया बूहे बारियां और चलें जी लेट्स सी। ओके सो बैकग्राउंड पे इस गाने को भी सुनते रहेंगे और कॉल होगी 4 मिनट की, टॉपिक पर बात करेंगे। चले आपके स्टार्स की भी बात करते हैं, साथ साथ आपके स्टार भी रह गए हैं। सो बात करते हैं हम वर्गों की, वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको अपने किसी कारोबारी दौरे के बारे में इल्म हो सकेगा कि जिसे आप चंद दिन बाद इख्तियार करेंगे, हो सकता है कि उसकी वजह से आपके लाइफ पार्टनर को किसी दुश्वारी का सामना हो कि जिसके बिना पर आपके इस प्रोग्राम से वो परेशान हो जाए। तो मुमकिन तौर पर ऐसे हालात में आप ये सब मंसूख कर देंगे, अपने तमाम दर्ज जज्बात और सोचों को सिर्फ कारोबार में ही समो देना कभी भी बेहतर तर्ज अमल साबित नहीं हुआ। इसलिए आपको भी अपने घरेलू माहौल को तवाना बनाने के लिए अपने अहले खाना की जरूरतों और जज्बात का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि इंसान सिर्फ पैसे कमाने की मशीन ही नहीं जज्बात और एहसास का पुतला भी है। बात करेंगे हम लिब्रा की, लेकिन उससे पहले कॉल को शामिल करते हैं। एंड अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। लिब्रा की बात कर लेते हैं। आज अपने काम के दौरान में दूसरों की तंजिया गुफ्तगू का जवाब ना देकर आप बहुत बड़ा काम करेंगे, वरना ऐसे मौके पर अक्सर बहस और तकरार भी शुरू हो सकती है और कई किस्म के जारी कारोबारी मामला रुक जाते हैं जिसमें कोई कारोबारी सफर भी शामिल है जो मनसूख भी हो सकता है। आज आप काफी दबाव में हो सकते हैं क्योंकि आपकी थकावट आपको कोई भी अमल इकदाम ना करने देगी। अपने आप को फजूल किस्म के बहसों मुबहसों से दूर रखें, क्योंकि किसी भी मकाम पर बहस का आगाज करने से आपके लिए सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। खड़ा पड़ के कंड लग जाने
अच्छा जी, कुछ कमेंट्स को साथ से शामिल कर लेते हैं। जाहिद आकाश कहते हैं कि आप ही आज क्या आप जर्सी पहन कर आई हो, क्यों बर्फ पड़ रही है, ओले पड़ रहे हैं ओले क्यों? तो भाई ना तो कोई बर्फ पड़ी ना तो कोई ओले पड़े, यानी कि ओले पड़े, लेकिन इतनी सर्दी नहीं है अभी। हमदुल्ला वाला खेल कहते हैं कि नाइस शो, थैंक यू सो मच। बल्कि मुझे तो एसी, मैं तो कह रही हूँ कि एसी की मैं जो है ना कूलिंग बढ़ा देती हूँ, मुझे गर्मी लग रही है एक्चुअली। तो अच्छा जी, अमर रमेश कुमार खत्री बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। किरण खान कहती हैं आज ही मेरा नेट पैकेज करवाएं और हासिल करें पूरा महीना मुझे ऑनलाइन देखने का मौका। तो देख इस बात की है। अच्छा, एजाज मुल्तानी कहते हैं कि प्लीज सॉन्ग प्ले कर दें, तेरा मुखड़ा हसीन जादू कर गया, शहजाद रॉय का फैसलाबाद का नाम लेकर दे, फैसलाबाद के, अच्छा कह रहे हैं फैसलाबादियों के नाम कर दें, अच्छा ओके। साथ किरण खान कहती हैं टॉपिक पर, हमारे घर पर सबसे पुरानी चाय की केतली है, स्टील की। अरे वाह क्या बात है, चाय की केतली। ओके, जाहिद आकाश कहते हैं कि अभी दादा अबू की लालटेन है मेरे पास, हाँ पढ़ तो लिया। किरण खान कहती हैं लास्ट कमेंट किया है फनी शामिल करना। यासिन नईम कहती हैं जजाकल्ला, कहते हैं सॉरी, कहते हैं कि मसूद साहब आपको कह रहे हैं कि वो आपको हमेशा अल्लाह पाक खुश रखे। आमीन सो आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यासिन नईम कहते हैं फराज भाई आपको आप ही के टैलेंट का अंदाज़ा नहीं पता। पता नहीं क्या क्या कर सकती हैं, अल्लाह बजाए आप ही के टैलेंट से। देखो बेटा, जो लोग अक्सर लोग फोर ग्रांटेड लेते हैं ना लोगों को, उन्हीं को पता चलता है कि हमने किसको फोर ग्रांटेड लिया है। और अक्सर पता है आप लोगों को कौन फोर ग्रांटेड लेता है, जिनको आप सबसे, आप लोगों की बात नहीं करी, एक जनरली बात करी, आप जिसको आप सबसे ज्यादा कदर देते हैं ना, जिसको आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वही इंसान आपको फोर ग्रांटेड लेता है, वही इंसान आपको फोर ग्रांटेड लेता है। आपको कुछ समझता ही नहीं है, है ही नहीं कुछ ये तो। और साथ साथ चैलेंज गाना खत्म हो गया और थोड़ा थोड़ा करके सुनते रहेंगे। कभी भी किसी को कितनी भी इंपॉर्टेंस देना, उसको बताया ना कि आप हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फिर आपकी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी फिर उस इंसान की नजर में। व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड, यू नो। अली हसन भट कहते हैं कि टॉपिक कमेंट पुरानी, मेरे घर में मैं खुद हूँ मैं, अच्छा ठीक हो गया। इशफाक अहमद कहते हैं सलाम, मैं लोअर दीर बाग अगवान बॉर्डर से सुनता हूँ, बहुत सर्दी का मौसम है, आपका शो बहुत अच्छा है, कीप इट अप एंड गुड लक, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पर आज कहते हैं यासिर का फेस ताहिर शाह में कितना मिलता है, बस यासिर तुम हेयर स्टाइल ताहिर शाह की तरह बना लो। कह रहे नहीं रखना, अच्छा शाहजैन खोकर कहते हैं राहत फतेह अली खान का ये सॉन्ग प्ले कर दे, मोहब्बत की कहानी में क्या तनहा ये मोड़ आते हैं, कि कहाँ ये मोड़ आते हैं कि जिनको दिल में रखते हैं वो दिल तोड़ जाते हैं, अच्छा। मसूद साहब कहते हैं मैं कल का एपिसोड जारी रखते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने फराज का, अपने फराज का क्या होगा, सबकी शादी होती जा रही है, सबा की हो गई, मलाला की हो गई, बख्तावर के तो बच्चे भी हो गए। कहते हैं आप उसे समझाएं और उसे एक सॉन्ग सुनाएं, मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए। ओके चलें, बहुत देर से कॉल शामिल की है, मैं कॉल शामिल कर लेती हूँ, मुसलसल कॉल जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं शारिक। शारिक, तो शारिक अपनी आवाज, असली आवाज में बोलो ना, तुम्हारी आवाज कैसी लग रही है, ये असली आवाज है या आपकी? आवाज ऐसी है, ऐसी आवाज है। हाँ तो क्या कहेंगे शारिक? पुरानी चीज। सॉरी, पुरानी, हाँ जी पुरानी चीज। अंगूठी। अंगूठी है, अच्छा। हाँ। किसने दी थी वो अंगूठी? वो मंगेतर ने दी थी, अच्छा। हाँ। मंगेतर है या सिर्फ अंगूठी रह गई है? अंगूठी रह गई है। अंगूठी रह गई, चलो खैर कोई नहीं। और बताएं, और क्या करते हैं आप शारिक, ये बताइए। मैं फारिग, अच्छा कोई जॉब नहीं आपके पास? नहीं, दूसरा टॉपिक बताओ ना। हाँ दूसरा टॉपिक ये है भाई, आपने बताना कोई ऐसा जुमला जो आपको हर वक्त सुनने को मिलता हो। और बताइए कोई जुमला आपको हर किसी से, मतलब नॉर्मली लोग सुनते हैं ना, और बस ये वाला, ये जुमला है, ये तो लव्ज है, और यानी वो बोलते हैं और क्या हाल है, और क्या हाल है, अच्छा और कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ठीक हो गया, अच्छा। तो शारिक, ठीक है। तो शारिक आप कितने टाइम से मेरा शो सुन रहे हैं?
पहली बार सुन रहा हूँ। पहली बार सुन रहे हैं? अच्छा, चलें जबरदस्त हो गया। और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, गाना लगा दो। कौन सा गाना? नसीबों का कोई खड़ी। चलो ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शारिक कॉल करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। हाफिज हाफिज। आज और आज क्या होता है और और मैं ना दूसरा गाना प्ले कर देती हूँ। और इसके अलावा चलें जी हम ये वाला सुनते हैं, शुगर ब्राउनी पे जरा वापस आते हैं, इसके बाद बैकग्राउंड पे मैं कोई और ट्रैक लगाऊंगा। अच्छा जी, ओके, एजाज मुल्तानी कहते हैं प्लीज प्ले, हाँ ये मैंने पढ़ लिया था। एक कॉल को मजीद में शामिल करती हूँ, फिर उसके बाद आपके कॉमेंट्स को शामिल करेंगे और कॉल ड्रॉप हो चुकी। जैसे ही मैंने सोचा कॉल रिसीव करूँ, कॉल ड्रॉप हो गई। शाहनवाज कहते हैं गुलशन हदीद में वक्त ना देने पर बीवी ने शौहर को गोली मारकर जख्मी कर दिया। ओके ठीक है, ये मैंने शायद पढ़ ली थी, ये न्यूज मैंने पढ़ी थी कल। जायद आकाश कहते हैं कि ओके, कहने ओके कह रहा है, नंबर बताओ। देखो फौरन लड़के फ्री कैसे होते हैं। मासूम साहब कहते हैं मैम आज अगर लेजी लिस्नर शाजी आए तो ये वाला सॉन्ग सुनाए, क्या सास गए देवर ननंद ससुराल गेंदा फूल। ओके अली हसन भट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शोर सासद फराज कहते हैं इंपॉर्टेंस का खुद ही पता चल जाता है, यू नो सही बात है, आपको अपनी इंपॉर्टेंस का खुद ही पता चल जाता है जब अगला बंदा आपके लिए अल्फाज इस्तेमाल करता है। यासिन नईम कहते हैं, भाई मैं क्यों ऐसी बातें कर रही हूँ। यासिन नईम कहते हैं बहुत प्यारी बात की है आप ही आपने, चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फराज कहते हैं फरहाना वॉइस चेंजर लगाया हुआ है इसने, हाँ मुझे पता है। शाहनवाज कहते हैं फरहाना कमेंट कहाँ क्या खा रही हो आज, नाश्ता नहीं किया क्या आपने? नहीं नाश्ता मैं करके आई हूँ, कमेंट मुझे आप दोबारा पेस्ट कर दिया करें ना, मैंने कहा तो है, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप मेरे भाई? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जी। क्या कहेंगे, यहाँ पे जो मौसम ठंडा हो गया था, कुछ जुकाम भी है, कुछ बीमार हो, बीमार हो गए आप? अरे चले, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपको सेहत कामल अता फरमाए, आमीन। और बिल्कुल आमीन, सिस्टर ट्रैफिक भी माशाल्लाह आपका जबरदस्त है। सिस्टर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एक ये जो हमारा घर में छोटा खेतली पड़ा हुआ था, वो जब आग पे लगे आग में वो सूख जाता है, वो टूट जाता है, वो आग की लकड़ी नहीं जो उसका करवट कहते हैं, वो जैसे आग की लकड़ी जब एंड में बच जाता है, उसी वजह कोई लोग वगैरह जो एक मतलब जो लोग उसकी जुवारी पकाते हैं, हम लोग पश्चिम करवट कहते हैं। अच्छा ओके ठीक है, वो जो नहीं लकड़ी का कोला, वो लड़की के कोला पे हम लोग वो रखे थे, फिर उसकी हम लोग चाय बना रहा था, इतना तकरीबन 3-4 कप चाय पीते थे, जो हमारा घर में तकरीबन 20 साल पड़ा हुआ है, वो किसी को भी नहीं देता है, उम्र के पुराना चीज किसी को मत दे देना। और दूसरा समझ आ गया नहीं आया? नहीं मुझे आ रही है समझ आपकी बातें आप बोल रहे, समझ आ रही है। इसलिए छोटी 5 कप का चाय होता है, वो मैंने देखा है, नहीं मुझे वो मैंने देखा है। हाँ बिल्कुल, मैं फिर इंशाल्लाह मैं आपको तस्वीर भी आपको सेंड कर लूंगा। चले जबरदस्त हो गए, जरूर जरूर। दूसरा बात, और एक ये जुमला बहुत ज्यादा सुनिक मुझे, आप सारा दिन ऐसे बेकार कर सारा दिन ऐसे अपनी पेन की लावा भी दूसरा काम है या नहीं है? अच्छा आपको ये सुनने को मिलता है, ओके चले आप बोले कोई बात नहीं, क्या हो गया? तो और बिल्कुल बस सिस्टर ये जो नहीं कार की दो लाचिन मिनट रखा करो सिस्टर, इसके बाद बहुत ज्यादा लोग ट्राई कर रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से लग जाते हैं। चले आपकी तो कॉल मिल ही जाती है, लोग कितने कितना भी ट्राई करते रहे आपकी कॉल तो मिल ही जाती है माशाल्लाह। मेरा काम तो हर हाल में मिला जा सकता है, मेरा काम मुश्किल नहीं है। ओके ओके ओके, कुछ इस वजह डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो कंप्यूटर बोल रहा है आपका मिला हुआ नंबर मसरूफ है, मसरूफ है, ये किधर से नंबर, ये किसको नंबर डायल कर रहा है, तो ये जो नहीं वो जुमला बार बार रिपीट होता है, ये होता है। सही ठीक हो गया, चलें जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया, आमीन, जज़ाकअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके अच्छा जी, साथ साथ कॉमेंट्स को भी हम शामिल करते रहेंगे। यासिन कहते हैं अरे यार क्या हो रहा है, बच्चे की आवाज में इतना बड़ा शारिक और भी विद मंगनी, देख लो जरा मंगनी
सिर्फ अंगूठी रह गई है उसके बाद उसने बताया। तो मोहम्मद शुएब कहते हैं वेलकम आरजे सईद बरहान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खिजर शाह कहते हैं फरहाना जी ना आप ना मैसेज पढ़ रही है ना मेरा कॉल उठा रही है, कॉल कर लो उठा लूंगी साथ साथ। और अगर कमेंट्स आप लोगों के मुझे नहीं मिल पा रहे तो मैं कहती तो हूँ कमेंट पेस्ट कर दिया करें यहाँ पे, क्योंकि फेसबुक ने पता नहीं क्या कर दिया है, फेसबुक को कोई तकलीफ है। और साथ साथ शोएब कहते हैं कि हाउ आर यू, मेरी वाले अल्हम्दुलिल्लाह। फराज ने हाय आज ऐसी बातें क्यों कर रही हो दुखी आत्मा, मैं तो कोई दुखी आत्मा नहीं हूँ, बट वेन समथिंग हर्ट्स यू यू नो यू कैन नॉट फॉरगेट दोज लाइन्स यू नो विच आर हर्टिंग यू अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, वाई आई जस्ट डोंट नो, आई जस्ट वॉन्ट टू फॉरगेट दैट बट नहीं हो रहा ना, क्या करें। आबिल पेंटर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी, मैं कनीज, आप कैसी हैं फरहाना जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं पढ़ लिया था वैसे ये वाला कमेंट, मैंने पढ़ लिया था ना। एजाज मुल्तानी कहते हैं ना मैं हासिल हूँ ना मैसर हूँ, मैं फकत दिल नशीन मंजर हूँ। अच्छा ठीक है, चले जी कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं आप भट्टी साहब, इतने दिनों बाद आपसे बात हो रही है, कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं, मजे में हैं? अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं और दिल के टोटों से इतने दूर तो रहने, इतने दिन दूर रहने का मुझे तो बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, क्योंकि देखें नेट पर प्रोग्राम हमें सुनने को नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, फेसबुक पर है मेरे पेज पर, ऑनलाइन है? फेसबुक पे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे किसी तरफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल लेकिन ये कि दिल का नेटवर्क तो हमारा खुला है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं कि कौन आ रहा होगा, क्या बातें कर रहा होगा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप रमजान मलिक साहब से कहिएगा ना कि आपको जरा वो लिंक शेयर कर दें मेरे पेज का, ताकि आप आराम से सुन पाए। चले मैं कोशिश करूंगा उनसे रब्ता करने की। सही है। दूसरा ये है कि आपके साथ तकरीबन 1.5 साल हो गया है जी जी 98.2 के साथ, और ये अभी वर्ल्ड कप देखा 2020 का, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप किसी चीज से भी सीखना चाहे ना, आप एक परिंदे से भी सीखना चाहे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप 2020 देखा, अफगानिस्तान का मैच था, भारत भी सही, तो जब टॉस जीता अफगानिस्तान ने तो उनके कैप्टन ने भारत के कहा कि आप फील्डिंग पहले करें, आप किसी की क्यों माने। लेकिन आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ शायद आप मेरी बात को फॉलो कर लें, उन्होंने किसी की बात मानी जब उनको नहीं माननी चाहिए, उनको पता था कि क्या करेंगे हमारी उसमें बेहतरी होगी। ठीक है, उन्होंने उनकी मान ली, क्या हुआ कि मैच आ गए और उनका रन रेट इतना ज्यादा बढ़ गया तो उनको चैलेंज हो गए। फिर आगे चल के एक मौका आया जिंदगी में, अगला मैच जो था वो मैच हारे, खुद भी बाहर निकले और उनको भी बाहर निकाल दिया, यानी कि हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबे। सही, ये मतलब है कि जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि जो आपको देखना चाहिए फैसला करते वक्त कि ये फैसला मैं जो कर रहा हूँ ये सही है कि गलत है, और आगे चल के वही फैसले जो है वो आपकी जिंदगी को बर्बाद करेंगे ही, लेकिन हो सकता है कि आपके साथ वो किसी की जिंदगी भी बर्बाद करके रखते। सही, फैसला करते वक्त 10 दफा सोचिए। तो यकीन करें मुझे, मैं अभी ऑफिस आया हूँ, मैंने तमाम खतरात को सामने रखते हुए मैं तकरीबन 1.25 घंटा 45 मिनट हो गया मैं रिटेल पे लगा हुआ। सही, ठीक है, और बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे के सामने बैठा हुआ, मुझे देखा भी जा रहा है। लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ सिर्फ ये था कि मैं सुपर हो गया, मैंने ना किसी की आवाज सुनी है ना कुछ है। यकीन करेंगे बार बार जाके आपकी रिकॉर्डिंग ढूंढता हूँ, पुरानी ईद की रिकॉर्डिंग उठा के सुन लेता हूँ। उसमें यह है कि मेरे जान वालों की, मेरे जो फैमिली मेंबर है उनकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ मेरा मैसेज ये है कि इतनी प्यारी फैमिली है, इतनी प्यारी फैमिली है कि अल्लाह ताला इसको नजर बद से बचाए, और ये फैमिली प्लानिंग वालों से भी है। मैं हमेशा ये बात कहता आया हूँ, तो फैमिली में रहने का मजा इसका, देखिए अगर मैंने घर पर सुनना है मेरे पास और ऑप्शन है,
मेरे पास यूट्यूब है, मैं तो बड़े ऑप्शन में गाना सुन सकता हूँ. मुझे कोई वाकया सुनना है, चाहे वो इस्लामी वाकया हो चाहे वो कोई वाकया हो. वाकया कॉल ड्रॉप हो गई है, 4 मिनट हो गए थे क्योंकि मैंने पहले बताया था 4 मिनट बाद ना कॉल ड्रॉप हो जाएगी और यही हुआ है. बस अब क्या करें. अच्छा जी, हमदुल्ला वाला खेल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमदुल्ला वाला खेल फ्रॉम लाहौर, वेलकम टू द शो. हाँ जी, आपसे बात तो हो गई है, चलेंगे मजीद, मे बी लास्ट या सेकंड लास्ट कॉलर होंगे, देखते हैं कौन है हमारे लाइन पर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है राना इमरान मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मजे में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वेल जी. क्या कहेंगे? कहेंगे तो यही बस है, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपका नसीब अच्छा करे और हर बहन बेटी का नसीब अच्छा करे. आमीन सुम आमीन. सबके लिए आसानियां पैदा करे और सबसे पहले सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. आमीन आमीन. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा. हाँ जी, पट्टी साहब को बहुत मिस किया मैंने, लेकिन अभी पट्टी साहब की आवाज सुनी तो बहुत अच्छा लगा. तो यासर नैन भाई है जो हमारे, हाँ जी, इनको बोले आप लेट हो गए, अभी हमारी एक सिंगर और है, क्या कर सकते हैं आप, नहीं भी सुनाएंगे तो मसला नहीं है, उन्होंने ट्रेनिंग कर ली है. हाँ देखिए, बस यही तो होता है ना दुनिया में, अगर वो नहीं है तो किसी और से काम चला लिया है ना. पुराना सिस्टर हूँ, मेरी बेटी है फारसमान हूँ, आज उनकी बर्थडे भी, उनको भी विश कर देना. चले मैं अभी ऑनर विश करती हूँ फातिमा नूर को. सही है, तो टॉपिक है आपका कौन सी चीज पुरानी पुरानी है. मेरी दादी की एक बेटी है जिसमें सिस्टर नहीं रखे, वो पड़े हैं तो उनमें बर्तन भी पड़े हैं और बिस्तर पड़े हैं. ओके ठीक है. तो मेरी बेगम पता क्या कहती है, बोलती है दे दो किसी को जगह घेरी हुई है. हाँ. मैंने बोला ये तो मैं कभी भी नहीं दूंगा, मैंने बोला पड़ी रहे अगर कोने में. अच्छा सही है, ठीक है. मेरी दादी की निशानी है, मैंने बोला पड़ी रहने. दादी की निशानी ना, तो फिर बस सही है, ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया. दूसरा हो ये था के दूसरी बात क्या थी कि कौन सा मुआशरे में लफ्ज सुनने को मिलता है. हाँ, कौन सी आपको जुमले आम तौर पर, बहुत सारे कॉमन जुमले, बहुत आम जुमले आपको सुनने को मिलते हैं अक्सर? अक्सर यही मिलते हैं, बैठे होते लोग बातें कर रहे होते तो यही बोलते हैं, यार ये क्या यार, वाह यार, ऐसा ऐसे ही अल्फाज सुनने को मिलते हैं ज्यादा. अच्छा, एक लफ्ज और भी अड़े अड़े भी बहुत है. सही है, ठीक हो गया. बात तो बोलते अड़े ये क्या किया तुमने. अड़े सही है, चलो ठीक हो गया, समझ सकते. और कुछ कहना चाहेंगे मेरे भाई? हमारे प्राज भाई आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं. हाँ जी आ रहे हैं वो. अपना आजम अमीर भाई की तरह बिरयानी की भेज तो नहीं पका रहे? हो सकता है खिचड़ी पका रहे हो वो. मुझे यही है, छाट है काचे वाली मलक भी छाट. बिल्कुल, दोनों साथ साथ. मैं सुनता तो हूँ सबको, ध्यान में रखता हूँ कौन कौन आ रहा है, कौन कौन. सही है, बस आप सुन सुन के याद रखा करें कि कौन आ रहे कौन नहीं आ रहा. सही ना, जबरदस्त. हाँ जी, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे, अपना ख्याल रखिएगा. हाँ हाँ जी, मैं भी फातिमा नूर को बर्थडे विश करती हूँ. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. So Fatima Noor ko happy birthday to you. May you have many, 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 many more. Inshallah, Allah Taala Fatima Noor, aapko bahut zyada khushiyan, bahut zyada kamyabiyan, bahut zyada tarakki ata farmaye, aapko walidain ki aankhon ki thandak banaye aur aapko apne maa-baap ka fakhr banaye. Ameen sum ameen. अच्छा जी, हमदुल्ला वाला खेल कहते हैं. हाँ जी, मैंने शामिल कर लिया था. साथ साथ शाहनवाज कहते हैं, किसी को दुख देना इतना आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि पत्थर कितनी गहराई में गया है. जो बात है. फराज कहते हैं और जिनको इंग्लिश नहीं आती और उन बेचारों को कौन समझाएगा. एजाज मदानी कहते हैं, हमारी सल्तनत में खूबसूरती नहीं किरदार के सिक्के चलते हैं जनाब. पता नहीं क्यों अचानक से जहन में आ गई बात, काफी दिनों बाद मैं भूल जाती हूँ चीजें, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक आज होता है ना, कभी कभी कुछ चीजें वापस आपके जहन में आ जाती हैं, सो यू डोंट फील गुड. और फराज कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है मुझे कुछ भी सुनने को नहीं मिलता, जो भी मिलता है ना बस यही सुनने को मिलता है. क्या मिलता है? अच्छा क्या ना, जो भी कुछ सुनने को मिलता है यहीं पे सुनने को मिलता है. अच्छा, यानी कि मैं सुनाती हूँ. ओके चलो, खैर है ना, कोई नहीं.
और यासिन नईम कहते हैं इतने दिन बाद आया हूँ, शफकत अमानत का कोई भी सॉन्ग प्ले कर दें प्लीज, इस गरीब को अमीर कर दें। चलो मैं प्ले करती हूँ, अभी ना हम बैकग्राउंड पर ही सुनते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। मेरे ख्याल से एक में कॉल को शामिल कर लेते हैं, फिर आपसे इजाजत ले लेंगे। हम शफकत अमानत का गाना हम सुनेंगे, वो अरे ये कौन सा गाना चल रहा है भाई, अच्छा सही है ठीक है, आवाज़ बंद है शुक्र है। मैंने कहा है आवाज़ तो सिंगल आ रही थी, बट हम सुनेंगे, चलो हम ना शफकत का गाना सुनते हैं, ये वाला। हाँ जब गाना सुनना ही है तो ये वाला सुन लेंगे, और नहीं तो क्या, चलें हम जो है ना ऑल्टरनेट निकालते हैं, सेम गाना दो लोगों की आवाज़ में, तो हम शफकत की आवाज़ में सुनते हैं। कैसा सो चले होशियार करते थोड़ी सी, सो यस हियर वी गो। Hi, I just love this track. I don't know why. Lyrics bhi koi itne khas to nahi hai. Theek hai bas. Bas kuch acche hai. Gaana bada zabardast hai. So enjoy it. अच्छा जी मसूर साहब कहते हैं चलें उसमें पिया क्या निकाल कर ही गुनगुना दे। मगर पिया को निकाल कर कुछ बचता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, जाहिद आकाश कहते हैं कि आप ही अबू बकर कैसे है, अबू बकर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। मुझे शफकत की आवाज़ तो नहीं लग रही, कहते हैं जिसकी सेहत सही नहीं है बराए मेहरबानी ठंडा पानी पीने से गुरेज करें और ग्रीन टी पिए, हाँ नहीं तो और क्या, डॉक्टर साहब बता रहे हैं आप लोगों को। वकास वाजी कहते हैं मैच पुराना हो गया है, क्यों याद दिला रहे हैं अंकल। अच्छा जी अली असगर बलोच कहते हैं इतनी सी तो जिंदगी है, मुर्शिद इसमें भी लोग सुकून से जीने नहीं देते, तो लोगों को अपना रिमोट कंट्रोल क्यों दिया भाई। ये खुशबू तेरी गूंज दी है क्यों हंसी हर सूते जी। जाहिद आकाश बहुत शुक्र कहते हैं आप ही सबा की, तो क्या सबा तो शादी से पहले ही शो छोड़ के चले गई, हाँ तो भाई तैयारियां नहीं करेगी वो। अली हसन बट कहते हैं अल्लाह हाफिज आरजे सईदा फरहान अली, क्या हो गया 10 मिनट पहले तुम लोग, तो हद होती है भाई किसी बात की। फराज कहते हैं अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे आपके और सबके, आमीन सो आमीन। बहुत शुक्रिया फराज, थैंक यू सो मच। और साथ साथ इतने सीरियस क्यों हो गए तुम? मैं नहीं होती सीरियस, तो तुम इतनी बातों में सीरियस क्यों हो रहे हो? नहीं मैं सीरियस जरूर होती हूँ, बट शो में सीरियस होने का क्या फायदा। सो शो में हम सिर्फ चिल करते हैं, ठीक है ना। सो शाहनवाज कहते हैं एक सॉन्ग सुना दें पुलिस है, ये कौन सा गाना है? सुन जरा पल के तू उठा, सुन जरा वो वाला, पता नहीं कौन कौन से गाने बताते हो यार तुम लोग। पर आज कहते हैं राना इमरान भाई खुश रहें, आप बात रहे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहसिन लियाकत कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल, थैंक यू सो मच। कहते हैं अल्लाह पाक आपकी इज्जत और आबरू को हमेशा कायम दायम रखे, आमीन सो आमीन, बहुत शुक्रिया। और फराज कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू फातिमा नूर, खुश रहो। इमरान करीम कहते हैं आप ही, ये जो आपका नंबर है ना कॉल करने के लिए, इस पर मुझे 3 महीने हो गए, एक ही बात सुनने को मिलती है कि आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त मसरूफ है। सही बात है। देखो तुम्हें तो 3 महीने से मिल रही, फराज को तो 1 साल से नहीं मिल रही। अनम अनम कहती हैं कि हाय क्या हाल है अनम, अनम अनम एक दफा अनम काफी नहीं था क्या, ये 2 दफा अनम अनम क्यों है, असली हो? पहले तो यही सवाल होता है मेरा, असली हो? अच्छा जी यासिर नेम कहते हैं आप भी कितनी कंजूस हैं, अल्लाह पाक ने आपको यासिर और शाजिया जैसे लिसनर दिए हैं, आप ही ने आप ही से आपसे इतना भी नहीं होता कि दो को अपने शो पे बुलाएं, और क्या डुएट हो जाएगा मेरा और शाजिया सिस्टर का आपके शो में, बहार निखार सवार सब आ जाएगा।
अच्छा चलो सही है। और साथ साथ यासिन नेम कहते हैं ये चीटिंग है, शफकत अमानत नहीं है ये। तो क्या हो गया। फराज कहते हैं ये सॉन्ग इतना अच्छा लगा है ना, सारी लाइंस अच्छी हैं, हर लाइन जोड़ी हुई है हर किसी के साथ। अच्छा ये कह रहे हैं कि आप यानी कि कुछ लाइंस आपके साथ जुड़ी हुई हैं किसी और के साथ। ओके कहते हैं कि नींद ना आए तेरे बिना बाय फ्यूजन नॉट शफकत। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। फराज नहीं खजर कहते हैं कि फरहाना जी आपका प्रोग्राम का टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, इसका कुछ करो। क्या करूँ मैं भाई, चार घंटे कर दूँ अपने शो का टाइम। और कहते हैं कॉल कर करके थक गया मैं फरहाना जी, लेकिन आप ना उठा नहीं रही मेरी कॉल। चलो कोई बात नहीं, कल मिला लेना, कल है फ्राइडे। सो शाहनवाज कहते हैं लबाक आपको हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुमामीन। मैं हमेशा कहती हूँ आपसे ये नहीं कहा करें आप कभी भी किसी को दुआ दें अपनी बात नहीं करी, एक बात करी हूँ कि हमेशा ऐसे ही, क्या पता ऐसे ही वो इंसान खुश ना हो और वो किसी और स्टेट में खुश रहना चाहता हूँ, है ना। पता नहीं क्यों मैं इतनी गहरी गहरी बातें कर रही हूँ ना आज। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फराज कहते हैं उफ किस बात पे कह रहे हो, क्या हो गया तुम्हें। साथ साथ वकास काजी कहते हैं अल्लाह हाफिज बाय, बहुत शुक्रिया। याद नहीं कहते सबा सिस्टर की शादी हो गई और बिरयानी भी नहीं खिलाई अभी नहीं बेटा। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं एक 105 के बुजुर्ग आरजे थे, नाम मैं भूल गया, कहना है कि क्या कहना है कि मोहब्बत में इजाफा करने के लिए फासले का होना नहायत ज़रूरी है। ये बात यहाँ आकर महसूस हो रही है कि तैमूर की नानी के साथ वाला बचपन का क्या बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जा रहा है। कह रहे हैं बचपन क्या बहुत रोबचिक था क्या था, मजेदार है। ओके ठीक है। ज़ायदा काश कहते हो कि भाई आप ही अपना ख्याल रखना, मैं जो है वो क्या क्या चलें जा रहे हैं, चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फराज कहते हैं कि ओके कहते हैं अरे हाँ कॉल का बहुत इशू है, कब भी करूँगा डोंट वरी, हाँ कर लेना कॉल कभी अगर तुम्हारी कॉल मिल जाए तो। साथ साथ यासिन कहते हैं हाफिज आप ही, और कॉल क्या गाना खत्म हो गया, अरे गाना कैसे खत्म हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, चलो दोबारा शुरू हो जाओ। सो साथ साथ अच्छा जी कहाँ तक पढ़ लिए थे मैंने कमेंट्स। मसूद साहब कहते हैं कि अना वनम से याद आया अपना आजम, आजम भी शादी करके आपके शो से गायब हो गया। ये अना वनम पे मुझे डाउट हो गया, ये अना वनम है कौन। शाहनवाज कहते हैं जी कर दो चार घंटे का प्रोग्राम का टाइम। अच्छा फराज कहते हैं स्ट्रिंग का ट्रैक प्ले कर देना, दूर से कोई आए और वो भी दूर ही चला जाए। ये सही है भाई, ये सही है। चाहते हैं हम भी गाना ऐसा गाना लगा के मगन हुए गाने में। उस्मान शायद कहते हैं फरहाना इज फाइनली साइनिंग ऑफ, अरे भाई क्यों। चलिए ठीक है। शाहनवाज कहते हैं क्या कहते हैं कहते हैं वैसे भी हुमैरा का शो क्या कमेंट स्क्रॉल हो गया। फराज कहते हैं जब अंकल की सेकंड कॉल होती है ना तो अंकल की वॉइस में चेंज आ जाता है। अच्छा ऐसा कब हुआ। किंग जाहिद बहुत शुक्रिया आपने, किंग नहीं है खिंग लिख दिया। चले जी बहुत शुक्रिया। इमरान करीम कहते हैं मुझे ना आप मोबाइल एक कॉल लेना पड़ेगा छोटा कॉल करने के लिए, क्योंकि इस मोबाइल से ना कॉल करता रहता हूँ और शो खत्म हो जाता है, ऐसे ही होता है भाई। चले जी इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। मॉर्निंग वाइब्स है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और
और साथ ही साथ अपने प्यारों को भी बहुत 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 ही ज्यादा ख्याल रखिएगा, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं मगफिरत जरूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में याद। फरहाना इस फाइनली साइनिंग ऑफ फिया मनीला।